सबसे पहले आपको दो पीसेस लेने हैं वुड के, और एक पाइप लेना है कम से कम 7 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपको एक ग्लू गन या फेविक्विक की आवश्यकता है, तो आपको एक फेविक्विक या ग्लू गन ले लेनी है। उसके बाद एक बोतल का कैप लेना है जो कि इतना बड़ा होल करके इसमें फिट हो जाए। देन वीडियो स्टार्ट करते हैं, और एक लाइटर की भी आवश्यकता होगी। तो आपको पहले इसे एडजस्ट कर लेना है या पेस्ट कर देना है। मैंने इसे यहाँ ग्लू गन से किया है, आप फेविक्विक से भी कर सकते हैं। उसके बाद एक आपको बोतल का कैप लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, उसको होल करके यहाँ एडजस्ट कर लेना है, और इसको यहाँ पेस्ट कर देना है फेविक्विक या ग्लू गन से। तो मैं ग्लू गन से इसको पेस्ट कर देता हूँ। इसको अच्छे से पेस्ट कर लेना है, इसमें थोड़ा सा भी स्पेस नहीं रहना चाहिए जिससे कि हमारी हवा बाहर जाए। तो ये हमारा पेस्ट हो चुका है। देन इसके बाद आपको एक बोतल लेनी है, और उसके पीछे उसको लगा देना है। तो हमारा कैनन कुछ इस टाइप का बनाना है हमको, इस तरह से डिज़ाइन है हमारा। तो इसको अब पेस्ट करते हैं हम अपने कैप को। और हमारे पास कुछ व्हील है, तो उसको हम डिज़ाइन के लिए यहाँ बोतल पर लगा देते हैं कुछ इस तरह से। तो हमने यहाँ व्हील भी लगा दिए हैं। तो ये हमारा कैनन कुछ इस तरह से दिखेगा रेडी होने के बाद। तो अब हम इसको एक तरफ रखते हैं, और इसमें सर्किट लगाते हैं, करंट सर्किट, जिससे स्पार्क होगा। तो उसके लिए हमको एक लाइटर, दो पिंस की ज़रूरत होगी, और वायर की। तो इसकी जो हम अंदर की वो स्पार्क मशीन होती है उसको निकालेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, निकाल लिए हमने यहाँ स्पार्क मशीन, और इसमें 1 से 1.5 फुट लंबा वायर जोड़ लेंगे। एक वायर इसके रेड वाले पार्ट पर जुड़ेगा, तो अब हम इसको भी साफ कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको वायर लगा देना है, या तो आयरन से सोल्ड कर देना है, या ऐसे ही ये रुक जाएगा। उसको बाद ऊपर से कुछ ग्लू गन या फेविक्विक वगैरह लगा देनी है। तो अब हम इसको पेस्ट करते हैं। तो एक पार्ट हमारा लग चुका है, इसको हम ग्लू गन से कवर कर देते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट इसके निचले हिस्से पर लगेगा। ये हो गया हमारा रेडी। इसको भी ग्लू गन से कवर कर देते हैं, जिससे कि स्पार्क यहीं पर लीकेज ना हो जाए। देन इसका दूसरा साइड लेंगे, और वहाँ पर पिंस अटैच करेंगे कुछ इस प्रकार से। हमारी यहाँ पिंस अटैच भी हो चुकी है।
देन इसके बाद आपको एक कील टाइप की ले लेनी है, छोटी पिन, और उसको हीट करके यहाँ पर दो होल करने हैं जिधर हमने ये कैप लगाया था। मैंने यहाँ दो होल कर लिए हैं और यहाँ पर आपको ये पिंस लगा देनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमने ये पिन लगा दी है यहाँ पर। अब हम आपको दिखाएंगे कि इसमें स्पार्क कैसे क्रिएट होगा। फिलहाल हम इसको कवर कर देते हैं जिससे कि स्पार्क यहीं पर बाहर की तरफ ना हो। देखते हैं कैसा हो रहा है स्पार्क अंदर की तरफ, कैसा क्रिएट हो रहा है। हमारा जो ये वर्क कर रहा है बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। नाउ अब हम इसे बोतल में अटैच करेंगे। अब हमारा एक कैनन जो है वो रेडी है। अब इसको डिज़ाइन मिल चुका है कुछ इस प्रकार का, इसको यहाँ पर पेस्ट करके पूरा रेडी हो जाएगा। तो हमारा कैनन पूरा रेडी हो चुका है, अब हम इसकी टेस्टिंग करते हैं। चलिए आइए। सो गाइस अब हम अपने कैनन की टेस्टिंग करेंगे। तो हमारे पास कुछ पीसीज हैं कैल्शियम कार्बाइड के, और मैंने एम भी अपना सेट कर लिया है ये बॉक्स, और हमारे ये जो बुलेट हैं उनको मैं ये लगा रहा हूँ बुलेट की जगह पर। ये देखिए कुछ पीसीज हैं इस तरह से बनाए हैं हमने। इसको यहाँ अटैच कर दिया और जब हम फायर करेंगे तो ये निकल के जाएगा। तो अब हम टेस्टिंग करते हैं। सबसे पहले आपको ये खोल लेना है और इसमें पानी डालना है थोड़ा सा। और इसमें हमें एक पत्थर डालना है कैल्शियम कार्बाइड का, ये मैंने डाल दिया है, और इसे लगा देना है। अब हमारा जो कैनन है वो रेडी है, अब फायर करें। मैं तो कुछ नहीं।